नमस्कार, मैं विशाल और आप देख रहे हैं नेशन भारत। इस वक्त मैं मौजूद हूं वापस से धरना स्थल यानी गर्दनी बाग। बात क्या है कि इससे पहले भी हम लगातार पिछले दो दिनों से ये कवरेज दिखा रहे हैं कि पटना नहीं बिहार के 3800 जिला से लोग यहां पर लगातार तीसरे दिन धरना पर बैठे हुए हैं। क्या कुछ मुख्य बातें हम इन्हीं के जुबानी सुनते हैं और आज भी इन्हीं के जुबानी सुनेंगे। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मुन्ना शर्मा है। मुन्ना जी कहाँ से आए हैं? जी हम मझौलिया प्रखंड से आए हैं। आज तीसरा दिन है, लगातार आप लोग धरना पर बैठे हुए हैं, क्या लग रहा है? मांग सरकार पूरी करेगी? उसको करना ही पड़ेगा, जैसे करे बात से करे या जीत से करे, उनको करना ही पड़ेगा। चाहे अपने बातों से करे चाहे आपके जीत से करे, करना होगा बात। जी जी। चार साल से आप लोग नौकरी कर रहे हैं, एक बार भी पैसा नहीं लिए हैं। पैसा के भी डिमांड होगा आपका? है, लेकिन उस पर सरकार सुनवाई नहीं कर रही है, लेकिन उनको करना पड़ेगा। चलिए, मतलब कि कहीं ना कहीं सरकार को जो है इस बार दिखा देना है कि नौकरी हमें चाहिए। क्या नाम है भैया और कहां से आए हैं आप? चंदन पासवान, खजौली से आए हैं, मधुबनी जिला। ये बताइए, आप भी पिछले चार सालों से काम कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं, निष्ठापूर्वक काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। फिर सरकार को ये रास क्यों नहीं आ रही है कि चंदन हमारे पास काम कर रहा है उसको निकाल दो, क्यों ऐसा लगा उसको? ऐसे पता नहीं से कैसे लग रहा है, लेकिन सरकार का जो भी उद्देश्य है वो चीज़ है, जो एक बार थाली दे देता है छीनने का कष्ट मतलब पर लग जाता है। एक बार दे दिया फिर अब पता नहीं कैसे ये जो कर रहे हैं कि जो नहीं अब चेंज किया जाए। अब मान लेते हैं कि हम चेंज करेंगे, जो भी जो नया आएगा तो वो भी तो वही कदम उठाएगा ना। बिल्कुल। दूसरा बात है कि हम लोग का एक्सपीरियंस पूरा बन गया है। हाँ, और बहुत ईमानदारी पूर्वक काम कर दिए हैं। चलिए, आप पहले अपना नाम बताइए और कहाँ से आए हैं ये बताइए। मेरा नाम ललन कुमार पासवान। ललन कहाँ से आए हैं? मधुबनी जिला से। ललन जी ये बताइए, मधुबनी से आप आए हैं, इतना ठंडा में आप पटना में प्रोटेस्ट करने आए हैं। चार साल से आप लोग काम कर रहे थे, सरकार अचानक एक फरमान आता है कि जितने भी कर्मचारी हैं सबको निकाल दिया जाए, ये जब सूचना मिली तो कैसे आप इसको देखे थे? जी हम लोग चिट्ठी द्वारा लेटर निकाले गए, उस लेटर में देखे कि हम लोग को हटाया जा रहा है, तो लेटर देखने के साथ हम लोग जो है भाग करके पटना आए, क्योंकि हम लोग मान लीजिए चार साल से अच्छा खासा दिल्ली बम्बई कमा रहे थे, वो सब छोड़ करके मुखिया वार्ड सदस्य द्वारा बोला गया कि वार्ड क्रिया में प्रबंधक समिति का गठन हो रहा है जी। उसमें आप लोग आइए, आपको सचिव के तौर पर रखा जाएगा, मैट्रिक पास करके है, तो हम लोग दिल्ली बम्बई छोड़ करके आए, उसमें गठन हुआ, सचिव बने। बनने के बाद चार वर्षों से हम लोग काम कर रहे हैं, अभी तक एक रुपया हम लोग को नहीं मिला, फ्री में हम लोग खटे। अगला चार सालों तक आप अपना मेहनत लगाए, शरीर का मेहनत जो है वो लगाए, बदले में कुछ नहीं मिला, एक रुपया नहीं मिला हम लोग को। मिलने का वक्त आया तो नौकरी से ही निकाल दिया। अब मिलने का गच्छे हम लोग को कितना आश्वासन दिया कि आप लोग को मिल मांग जायज है, दिया जाएगा, हम लोग उसी के देखते हुए इंतजार करते के लिए आज लास्ट टाइम आया, तो हम लोग को यहाँ से हटाया जा रहा है। जी चलिए, तो देख सकते हैं लगभग 1.25 लाख लोग हैं, 1,14,690 के अप्रोक्स जो है ये लोग हैं, जिसमें महिला लोग भी है जिनका उम्र 50 से ऊपर है, वो लोग भी हैं जिनका उम्र 18 से ऊपर है, वो लोग भी हैं। और ऐसे वक्त में सरकार नौकरी देती है कि लोग खुश हो जाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर इन उम्र को पार करते हुए अगर नौकरी मिल जाती है तो लोग कितना खुश होते हैं। मगर वही चार साल खटवाने के बाद लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं रहा कि इसके अलावा हम करें क्या। उस वक्त जो है सरकार अपने हाथ को और अपने जुबान को वापस ले लेती है, तो क्या बीत रहा है ये तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, क्योंकि बिहार के लगभग 3800 जिला से लोग यहां पर आए हैं और कहीं ना कहीं सारे लोग डरे हुए हैं अपने भविष्य को लेकर कि हमारे भविष्य के साथ आगे के डेट में क्या होगा, क्योंकि लगातार ये तीसरा दिन है। और इससे पहले की भी कवरेज हमने दिखाई थी, शायद आपको याद होगा, गांधी मैदान में ये वही लोग हैं जिन पर लाठियां बरसाई गई थी, पानियों का बौछार किया गया था, डंडों का शिकार ये लोग बने थे। मगर इस बार देखने वाली बात यह होती है कि इनके साथ क्या होता है, आगे की तस्वीरें क्या कुछ सामने निकल कर आती है वो भी हम आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, दीजिए हमें इजाजत, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।